हेलो फ्रेंड, आज हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कंप्यूटर के हर एक वर्क के लिए, हर एक टास्क के लिए अलग अलग तरीके की यूनिट होती है। तो मल्टीप्लेक्सर एक तरीके का सिलेक्टेड डेटा सिलेक्टेड लाइन होती है। डेटा सिलेक्टेड लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, आपके पास नंबर ऑफ इनपुट कई सारे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आउटपुट क्या है, वन है। मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ इनपुट क्या होता है, कई सारे होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट क्या होता है, ओनली वन होता है। हम जब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एन सिलेक्ट लाइन और आउटपुट इन दो से निकालेंगे, हमें इनपुट से कोई मतलब नहीं होगा। वैसे तो अभी इनपुट से मतलब है क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट बहुत मायने रखता है। तो इसमें कई सारे नंबर ऑफ इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। पहले मैं आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट, एक यूनिट होता है जो डेटा को सिलेक्ट करता है। मैंने क्या सर, मल्टीप्लेक्सर एक यूनिट होता है जो डेटा को सिलेक्ट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट हो। लेकिन डेटा को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइन होना चाहिए, तो एन इनपुट और एन सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो आपको जब आप इसका गेट आगे बनाओगे, ट्रू टेबल्स बनाओगे, तो इसमें आपको इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है। हम देख लेते हैं अभी एक, ये आपका सर्किट है, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें चार इनपुट हैं, जब चार इनपुट है तो सिलेक्ट लाइन कितने होंगे, दो होंगे। आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू टू का टू की पावर एन, ठीक है। तो आपको इनपुट मिल जाएंगे, सिलेक्ट लाइन मिल जाएंगे, सिलेक्ट लाइन कितने हैं, दो हैं, ठीक है। दो सिलेक्ट लाइन है तो कंडीशन कितने बनेंगे, चार बनेंगे। ये आपका सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन वन, सिलेक्ट लाइन टू, क्या नाम, सिलेक्ट लाइन जीरो, सिलेक्ट लाइन वन। तो जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, ये आपका सिलेक्ट लाइन हो गया, ठीक है। सिलेक्ट लाइन पर आप चार सिग्नल दोगे और आपका ये इनपुट हो गया। तो चार तरीके के इनपुट हैं। तो पहला आप यहाँ लिखो डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डेटा फोर, यानी डेटा जीरो, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री। आपको डी लिखना है यहाँ पे, डी का मतलब होता है डेटा। तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो जब जीरो जीरो होगा तो डेटा जीरो, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री। ये जैसे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ टी लिखा या आई लिखा, जो भी लिखा है इन्होंने, ये एक तरीके का डेटा है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये टेबल लिख देना और डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, ठीक है। आपको बस वो लिखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे सर्किट डायग्राम बना रखा है, ये हमारा मैक्सटर्म है। आगे पढ़ेंगे हम मल्टीप्लेक्सर। एक तरीके का यूनिट होता है जो मल्टी टास्क परफॉर्म करता है डेटा सिलेक्ट करने के लिए। एक और बात, ये सीक्वेंस सर्किट के लिए और कंबाइंड सर्किट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कहीं कहीं हमारे पास कई अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं, लेकिन वो सारे डेटा हम परफॉर्म एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक डेटा हमें सिलेक्ट करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। बेसिक रियल लाइफ में हमारे पास, अपने अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी इसे डेली बेसिस पे यूज करते हैं, कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, क्योंकि एक बार में हमें एक डेटा देना होता है। तो जो डेटा सिलेक्ट है वो मल्टीप्लेक्सर के कारण ही पॉसिबल हो सका है, और इसलिए मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें नहीं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा फोकस किया कीजिएगा, इसलिए मैं आपको ये देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इनपुट, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे आठ हैं तो आप यहाँ कितने दोगे, सिलेक्ट लाइन तीन दोगे। प्रैक्टिकली धीरे धीरे करते करते आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, हमको तो याद हो गया है पढ़ते पढ़ते। तो अगर आपके यहाँ पे चार है तो यहाँ पे दो होंगे, अगर आपके यहाँ पे हार्ट है तो यहाँ पे तीन होंगे, अगर सोलह है तो यहाँ चार होंगे। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस ये याद रखिएगा इनके बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू टू की पावर एन, यानी क्या, सिलेक्ट लाइन, आपको पता चल जाएगा, आप उससे से मेजर कर सकते हो। आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। नंबर ऑफ इनपुट क्या है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। आप इनके बीच में रिलेशन दे सकते हो, ये दोनों बराबर हैं, ओके। अगर आपको एन पता तो एन निकाल सकते हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके नंबर ऑफ इनपुट और सिलेक्ट लाइन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और आउटपुट उससे सिलेक्ट करता है। तो आउटपुट इसमें निकालना बहुत ही आसान है, आउटपुट निकालना बहुत आसान है, कहने का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है उनमें से एक ही सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, एक बार में एक सिग्नल यहाँ पहुँचेगा। आप चाहे सिग्नल सब में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार में एक सिग्नल यहाँ पहुँचेगा। जब आप जीरो जीरो अप्लाई करोगे सर्किट पे, यहाँ पे जीरो जीरो अप्लाई करोगे इस सर्किट पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा,
डी जीरो का मतलब है डेटा जीरो। डेटा जीरो का मतलब क्या है, एक तरीके का डेटा है जिसे हमने डी जीरो से प्रेजेंट किया है, और जब आप यहाँ पे जीरो और वन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वन, डेटा वन। और डेटा वन भी एक तरीके का डेटा है जिसे डी वन से प्रेजेंट किया हमने, और यहाँ पे जब आप वन और जीरो अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टू, डेटा टू, ठीक है। और जब वहाँ पे वन और वन अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डी थ्री, डेटा थ्री। यानी पहले जब आप जीरो जीरो अप्लाई करोगे तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, और जब जीरो वन अप्लाई करोगे तो वन वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जब वन जीरो अप्लाई करोगे तो टू वाला कनेक्ट हो जाएगा, और जब वन वन अप्लाई करोगे तो थ्री वाला कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें इतना ही था मल्टीप्लेक्सर के बारे में। आप जो मैंने इस उसमें दिया है इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ मल्टीप्लेक्सर मीन क्या लिख रखा, ट्रांसमिशन और लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जितने लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ओवरऑल अ स्मॉल नंबर ऑफ चैनल और लाइन। एक स्मॉल नंबर ऑफ चैनल और लाइन में अ डिजिट मल्टीप्लेक्सर इज एल सी एल एल सी एल सी डेट सिलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन्स एंड डायरेक्शन इन सिग्नल इनपुट लाइन। वही कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट को क्या करता है, सिलेक्ट करता है आउटपुट के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कई सारे नंबर ऑफ इनपुट होते हैं लेकिन सबको सर्किट पे तो अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ, इसीलिए क्या करता है, डेटा सिलेक्ट करता है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।